ना आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी मेरे घर को कवर कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने नहीं आके ब्रीफिंग दिया आपको कि मेरे यहाँ से पैसा मिला, मेरे यहाँ से दस्तावेज मिले, मेरा कोल का व्यापारी मैं हूँ या कुछ भी। अनुप जी, कुल कितनी राशि बरामद हुई आप? मेरे यहाँ से 90,000 के करीब, पूरे बेरमो से भी, और बेरमो से 50-60,000 के करीब। और रिश्तेदारों के यहाँ आपके यहाँ छापेमारी हुई? रिश्तेदारों के यहाँ छापामारी हुई है, उसको उसकी मेरे को जानकारी नहीं, और रिश्तेदारों से मेरा कोई व्यापारी लेन देन नहीं है। रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं, आप रिश्तेदारों को मेरे नाम से जोड़ के जबरदस्ती उन्हें हरास किया जाएगा तो ये तो गलत। अनुमित, कल भी समय मांगा गया क्या? मैंने बोला तो मेरे यहाँ से 70,000-90,000 के करीब कैश और 9 लाख रुपए के गहने मेरी बीवी के मिले। कल भी समय मांगा गया क्या? चले तो ये मेरा घर छोड़े ही नहीं, क्योंकि इनको बीजेपी वालों ने भेजा है। कल समय मांगा गया है? गांधी जी के कहने पे भेजा गया है इनको, हेमंत विश्वकर्मा के कहने पे भेजा गया है इनको, निशिकांत दुबे के कहने पे भेजा गया है। आपने एक बार फिर से हेमंत विश्वकर्मा का नाम लिया, क्या आपको लगता है पहले भी उनका नाम ले चुके उस वक्त ये हो रहा है? अरे भैया, मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी वाले सब है, सब इन्वॉल्व है, इनको इसीलिए भेजा गया है। लेकिन जब 35 साल मेरे पिता विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके ऊपर आज तक आयकर विभाग का छापा नहीं पड़ा, और उनके मौत के होने के 1.5 साल के बाद उनका बेटा जब विधायक बनता है तो उसे तोड़ने के लिए आप उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को आप आज मेरे सामने लाके प्रस्तुत करते हैं और मुझे बदनाम करने का साजिश रचते हैं, वो भी वो संपत्ति जो मेरे पिता ने नॉमिनेशन में, अपने लास्ट नॉमिनेशन में दाखिल करके गए।